दिस इज अंकित साई और आप लोग देख रहे हैं अंकित साई ब्लॉग्स। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज डेट है 18 जून और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 10:51, यानी कि 11 बज रहा है। मैं सुबह में उठ चुका हूँ यार, बारिश वारिश के कारण लेट उठता हूँ अभी। अभी उठ चुका हूँ और मैं आया हुआ हूँ, देख सकते हो ये थोड़ा अलग लोकेशन लग रहा होगा बिकॉज मैं आया हुआ हूँ अपने दुकान पे। ये देखो ये पूरा देख सकते हो, ये मेरा दुकान का एक रूम है और इधर साइड में देख सकते हो प्रिंटर वगैरह है और ये फ्रिज। तो मैं अपने दुकान पे आया हुआ हूँ और इसलिए कि पापा जी थे नहीं तो आना पड़ा है दुकान पे। पापा जी नहीं थे, पापा जी गए हुए हैं बाहर कोई काम से, इस कारण से। तो अभी मैं आया दुकान पे, थोड़ा सा बैठा और सीन ये आज क्या है कि थोड़ा देर बैठूंगा उसके बाद घर जाऊंगा, थोड़ा सी प्रोग्रामिंग का देखना है। 2 दिन हो गया फिर से छोड़े हुए तो इसका देखना है। तो यार अभी अभी मैं दुकान पे आया और दुकान पे जैसे ही थोड़ा देर बैठा तो मेरे को एक मैसेज आया कि जो मैंने एक जूता ऑर्डर किया था, मैंने जूता ऑर्डर किया था वाइट कलर का, तो वो जूता आज मतलब आने वाला था, 21 तारीख को डेट था, लेकिन वो आज ही डिलीवर होगा। हमारे मैसेज आ गया है मेरे पास कि आज आउट फॉर डिलीवरी हो गया है, आज ही डिलीवर होगा। तो इसीलिए और मैंने अपना दुकान का ही एड्रेस दिया हुआ है मैंने, तो इस कारण से मैं दुकान पे ही रहूंगा अभी जब तक डिलीवरी नहीं आ जाए, या फिर चला जाऊंगा ज़्यादा लेट होगा तो फिर फोन करेगा डिलीवरी बॉय तो आऊँगा फिर ले लूँगा उससे। कोई दिक्कत वैसे है नहीं, घर से दुकान ज़्यादा दूर है नहीं, मुश्किल से करीबन 100 मीटर के आसपास ही होगा। हाँ यही है और बस यही है आज का सीन। और दिखाता हूँ, चलो पीछे वाले कैमरे से बैक कैमरे से देखो दुकान का सीन। ये देख सकते हो यार, ये देखो दुकान के पीछे पूरा पानी भर चुका है, पूरा पानी भर चुका है। ये मैं दुकान के सेकेंड फ्लोर पे हूँ, मेरे दुकान के नीचे अंडरग्राउंड भी है एक। ये देखो ये एक रूम हो गया, इधर ये सीढ़ी हो गया, इधर ये इसके 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 पीछे भी 2 रूम है। एक रूम ये हो गया, ये मेन दुकान, एक ये मेरे पापा जी का दवाई वाला दुकान और यही सब है। और ये देखो अंडरग्राउंड दिखाता हूँ यार, बहुत ही मजेदार। ये देखो अंडरग्राउंड, ओ माय गॉड यार, बहुत ही पुराना अंडरग्राउंड है, इसमें भी पूरा पानी भर चुका है। ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा पूरा पानी पानी। तो चल, भूल गया था मैं, अभी अभी याद आया है कि बिजी आई लॉन्च हो चुका है, जाओ डाउनलोड करो, आग लगा दो। और उसमें ये है कि सेम टू सेम मैंने डाउनलोड किया है, सेम टू सेम एकदम से पूरा पबजी है उसमें, आप लोग कर सकते हो, पूरा ही पबजी का सेम वर्जन है, बस उसका इंडिया का सर्वर इंडिया वगैरह आ रहा है, एशिया वगैरह नहीं आ रहा है, इंडिया आ रहा है सर्वर में। और पूरा उसका थोड़ा सा इंडियन फ्लैग व्लैग के कलर में कर दिया है, बस यही है, नहीं तो सब कुछ सेम है। और उसमें आप अपने पुराने वाले पबजी के आईडी को भी कर सकते हो उसमें फिर से लॉगिन, उसके लिए आपको बैकअप लेना होगा और उसको फिर से वहां से हो जाएगा। उसमें ऑप्शन आता है, डोंट वरी, कुछ बड़ा बात नहीं है, बैकअप लेना, ऑप्शन आता है, यस कर दोगे, लॉगिन करोगे, वो अपने आप बैकअप ले लेगा और अपने आप उसमें लॉगिन हो जाएगा प्रीवियस वाला आपका आईडी, ये अच्छी बात है एक। और बस कल ही लॉन्च हुआ, मैं कल रात को देख ही रहा था तो कल रात को ही मैंने डाउनलोड किया और यही बात है। जाओ जल्दी से बीजीआई को सपोर्ट करो, पबजी को यार अनइंस्टॉल करो, सब जाओ पबजी को अनइंस्टॉल करो क्योंकि सेम टू सेम है, कोई दिक्कत है नहीं, पुराना वाला आईडी भी आपका इसमें हो सकता है लॉगिन, तो कोई बात नहीं है, अच्छा बात है, बिना मतलब का आप लोग वीपीएन वगैरह लगा के चलाओगे तो ये गड़बड़ बात है। जाओ
और पबजी डिलीट मारो, बीजीआई डाउनलोड करो अपना, पहले डाउनलोड कर लेना और उसके बाद अपना सारा काम कर लेना, बैकअप वगैरह ले लेना, लॉगिन कर लेना, उसके बाद पबजी को डिलीट मार देना, कोई बात नहीं। चलो सपोर्ट करो इंडिया को। शादी होता है उसके उसका ब्रह्मपूजी यहाँ पे मंदिर है, इस कारण सब पूजा करने आते हैं। सो ये अभी ये कोरोना के कारण अभी कोई गांव में तो कभी यार पता ही नहीं चला कि कोरोना वरोना भी होता है, गांव में सब दिन ऐसा ही चलता रहा। तो दिखाया मैं करता हूँ, आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। और यार दिक्कत ये हो गया ना कि मैंने आज जो क्लिप बनाया था वो यार अपलोड करने ही वाला था 1 बजे के करीब, लेकिन हुआ क्या कि अपलोड करने से पहले ही डिलीट हो गया मेरे से गलती से डिलीट हो गया यार। बहुत दिक्कत हुआ मेरे को तो उस समय यार, बहुत अच्छा अच्छा मतलब मेकिंग प्रोसेस दिखाया था मैंने उसमें टोबैको वगैरह का, और गांव का जो इंडा वगैरह होता है बेल वगैरह दिखाया था मैंने यार, बहुत अच्छा वीडियो बना था यार, साला डिलीट हो गया। सो यार फिर से बनाना पड़ रहा है यार, उसको फिर से बनाना पड़ रहा है अभी। तो यार समझ में नहीं आ रहा था उस समय करूँ तो करूँ क्या यार, बहुत इरिटेट हो गया था मैं उस समय, लेकिन फाइनली मेरे को मिल गया एक थोड़ा सा कॉन्टेंट, तो फिर मैं सोचा कि चलो बना दे। मैं सोच रहा था आज स्किप मार दूँ यार, स्किप मार दूंगा फिर 365 डेज चैलेंज वाला काम खराब हो जाएगा, इस कारण मैंने स्किप नहीं मारा। तो अभी ये दिखाया मैंने, तो चलो जो होगा वो दिखाऊंगा, और चलो बाय। हे गाइस, अभी हो रहा है टाइम 5 और अभी तक मैं दुकान पे ही हूँ, और मैंने जैसा बताया था कि आज मेरा डिलीवरी होने वाला है, मतलब यार जूतों का, मेरा नहीं जूतों का डिलीवरी होने वाला है, मैंने ऑर्डर किया था माई लिंक से। तो मैं सोच रहा था यार 500-500 का दो जूता था, 500-500 का दो जूता था, एक वाइट और एक ब्लैक, तो वो दोनों मैंने ऑर्डर किया था, मेरे को अच्छा लगा था इस कारण मैंने ऑर्डर किया था। तो वो दोनों का ऑर्डर समरी दिखा रहा था कि 21 जून को वो जूते को डिलीवर करेंगे, लेकिन उन्होंने आज ही डिलीवर कर दिया। तो उनका फ़ोन आया तो मैंने अपना जूता ले लिया, और मैंने इसका बात सुबह में आप लोग को बता दिया था, तो ये था, तो मैंने कर दिया आज। हे गाइस, होप करता हूँ आज का व्लॉग आप लोग को अच्छा लगा होगा। अभी मेरा डिनर विनर सब खत्म हो चुका है, अभी टाइम हो रहा है 9:30,
और डिनर खत्म हो चुका है, देख सकते हो पूरा अंधेरा, बारिश एकदम ठहाके ले लेके बरस रही है और बड़ी भयानक बारिश चल रही है अभी 6-7 दिनों से। तो ये सीन है हमारा आज का, और होप करता हूँ कि आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा ब्लॉग। ब्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, फैमिली का कंटेंट है, कहीं भी दिक्कत नहीं है, कहीं भी भेज सकते हो, कहीं भी शेयर कर सकते हो, फैमिली में कोई दिक्कत नहीं है। तो करो जल्दी जल्दी शेयर करो और जल्दी जल्दी करो और लाइक जरूर कर देना। कमेंट यार करो, कमेंट नहीं करते हो तो मज़ा नहीं आता है, कमेंट करो, जहाँ पे गलती है बताओ, तभी तो इम्प्रूव कर पाऊंगा ना। तो चलो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग में नए मोटिवेशन के साथ। बाय बाय, टाटा।